जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, एक प्रकार से आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ जो आपके लिए CRPF का पेपर पास करने के बाद चाहिए होगा, है ना। उससे पहले आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आप 100% मैं बता रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर असफल हो सकते हैं। तो हमें आज हम बात करने वाले हैं CRPF के HCM and ASI में जो आपकी टाइपिंग होती है। ASI में मोस्टली आपका स्टेनो है तो वो वाली बात थोड़ी अलग हो जाएगी, यहाँ पर अभी मैं HCM की बात कर रहा हूं। तो HCM की बात सुने ध्यान से। अब हमने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रखे हैं, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है कि 99% जो अभ्यर्थी हैं, 99% जो अभ्यर्थी हैं वो आपके फेल हो जाएंगे। उसका रीजन मेरा सुनो, ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई दिक्कत है इसलिए मैंने ये लिखा है, उसका रीजन सुनो। सबसे पहले तो बात ये आएगी कि आपके कितने फॉर्म फिल हुए हैं, आज शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी। अप्रोक्स 17 लाख के आसपास फॉर्म के बात चल रही थी कि इतना फिल होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं शाम को आपको पता चल जाएगी, जो RTI डाली है उसका आंसर आ जाएगा। और 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है, जबकि पता है आपके लिए जो पोस्टें हैं वो आपकी कितनी है, 1458 के अप्रोक्स हैं, है ना। 1458 के अप्रोक्स फॉर्म इतना डाला गया है, तो यहाँ पर हमें इतने बच्चों को छांटना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात आ जाती है कितनी मिस्टेक होंगी आपकी माफ़, अगर आप टाइपिंग में मिस्टेक भी करते हैं तो कितनी मिस्टेकें आपकी माफ़ हो जाएंगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भी कि कितनी मिस्टेक आपकी माफ़ हो जाएंगी। अगला बात बोल रखी है कि कम स्पीड वाले कैसे पास होंगे, जिनकी स्पीड हिंदी या इंग्लिश में नहीं आ पा रही है ज़्यादा, तो वो कैसे पास होंगे, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा। और मोस्टली कौन सा कीबोर्ड आपके लिए यूज़ करना है प्रैक्टिस के टाइम पर, प्रैक्टिस के टाइम पर आपको कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, वही कीबोर्ड आपके लिए वहाँ पर जाके मिल जाए। क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली हम लोग जो टाइपिंग करते हैं दूसरे कीबोर्ड पे करते हैं और हमें वहां पे सेंटर में दूसरा कीबोर्ड मिलता है। आपका ये मोस्टली क्वेश्चन ये भी होगा, क्या हम अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं सेंटर पे, तो नहीं, आप अपना कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते हैं। अगर कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सेंटर वाले ही चेंज करके देंगे, आप अपना कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा कीबोर्ड आपके लिए यूज़ करना है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपका यूज़ होता है पहली बात, और कौन सा होता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। मोस्टली आपकी उभरी हुई जो की होती हैं, जिनमें की बाहर के लिए होती हैं निकली हुई, वो वाला मोस्टली आपका यूज़ किया जाता है। जो आपके लिए लैपटॉप की तरह कीबोर्ड दे रखा होता है, फ्लैट की वाला, फ्लैट की वाला मोस्टली यूज़ नहीं होता है। तो इस पर आप प्रैक्टिस करें, लेकिन इस पर भी देख लें करके, हो सकता है आपके लिए ये वाला मिल जाए वहां पे, तो इन दोनों में से आपके लिए कोई ना कोई सा कीबोर्ड मिल जाएगा। अब बात करेंगे बैक स्पेस की, किसकी बात करेंगे, बैक स्पेस की बात करेंगे कि ये वाला जो की होती है आपकी, ये यूज की जाएगी या नहीं की जाएगी, जिससे हम कार्ड देते हैं लेटर के लिए, इन सारी चीजों पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं नंबर वाइज नंबर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भाई कीबोर्ड आपका कौन सा होना चाहिए, कीबोर्ड आपका कौन सा होना चाहिए, तो कीबोर्ड मैंने बता दिया आपके लिए स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड आपका यूज होगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमारी आ जाती है, पहली बात हो गई, दूसरी बात हो जाती है हमारी स्पीड की, कि भाई स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता देता हूं मैं, जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों की जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट होगी। और इंग्लिश जो जिसने चूज़ की है, तो इंग्लिश वालों की जो स्पीड होगी वो 35 वर्ड पर मिनट होगी। अब बात आ जाती है मिस्टेक कितनी माफ़ की जाएंगी, तो मिस्टेक की अगर हम बात कर लेते हैं, टाइमिंग जो रहेगी आपकी टेस्ट की वो रहेगी 10 मिनट, कितनी रहेगी, 10 मिनट रहेगी। 30 वालों के लिए 300 लेटर हो जाएंगे, इनके 300 हो जाएंगे और इनके 350 हो जाएंगे, ठीक है, 350 हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो मिस्टेक आपकी 5% केवल काउंट की जाती है, आपकी 5% जो मिस्टेक है वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, मान लिया जाएगा आपका ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें 300, जैसे 300 की अगर हम बात करें, मान लो आपने 300 लेटर टाइप किए हैं और 300 लेटर में आपका 5% 3×5 15 हो जाता है, कितना हो जाता भैया, 15। तो 15 शब्द अगर आपके गलत टाइप हो गए हैं तो वो एक भी रॉन्ग नहीं माना जाएगा, उसे बिल्कुल इक्वल माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर 15 से 16 भी हो गए गलत,
गलत आपके, 16 भी गलत हो गए, तो एक रॉन्ग लेटर के लिए 10 के इक्वल माना जाएगा, 10 मिस्टेकों के इक्वल माना जाएगा, एक रॉन्ग लेटर 10 मिस्टेक के लिए काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और जो बैक स्पेस की होती है, जिससे हम क्या करते हैं बैक मारते हैं, वो आपके लिए लॉक मिलेगी वहाँ पे, वो क्या मिलेगी भाई, लॉक मिलेगी, उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात आ जाती है स्पीड, अगर आपकी कम है तो आप कैसे पास करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको क्या करना है भाई, एक्यूरेसी रखना है, आपको क्या रखना है, एक्यूरेसी रखना है, एक्यूरेसी आपकी 99% होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक्यूरेसी आपको रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ठीक लिखे हैं और ठीक मतलब सारे लेटर ठीक हैं तो आप कम स्पीड पे भी काम कर जाएंगे, लेकिन आपकी इतनी स्पीड तो होनी चाहिए मिनिमम उनके लिए 10 मिनट के अंदर। आप अगर हिंदी की टाइपिंग मतलब करते हैं तो आपको 300 वर्ड, और आप अगर इंग्लिश की टाइपिंग देते हैं उनके लिए तो आपके लिए 10 मिनट के अंदर 350 वर्ड आपको देने ही देने हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारी बात हो गई, हमारी कौन कौन सी टॉपिक पे बात हो गई, कीबोर्ड की बात हो गई, कितने परसेंट अगर फेल पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली जो आपका टाइपिंग होती है तो इसमें मोस्टली बच्चा फेल हो जाता है। मोस्टली फेल होने का केवल रीज़न ये है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, ये बात मेरी ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आपके लिए सुपर स्काई क्लासेस पर सारी की सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप CRPF HCM की बेहतरीन तैयारी मतलब करना चाहते हैं तो आप सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर स्काई क्लासेस आपके लिए डेली यहाँ पे फ्री लाइव क्लास मिलती है आपके लिए, ठीक है। सुपर स्काई क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपके लिए 50 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, बाकी आपके लिए क्लासेस भी प्रोवाइड हो रही हैं, बाकी आपके लिए PDF नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, PDF आपके लिए नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मात्र आपकी 249 में आपको प्राप्त हो रही हैं, तो आप जाकर के ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बेहतरीन तैयारी के लिए और अपडेट के लिए सुपर स्काई क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए डे टू डे CRPF की सारी अपडेट मैं यहां पे देता रहूंगा।